अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्रू ए वेव पैकेट्स एंड द स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है द स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे हमें इस प्रिंसिपल का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये प्रिंसिपल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टेनिटी की तरह बिहेव करता है। हम उसकी सर्टेनिटी को बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में इसकी सर्टेनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सर्टेनिटी का मतलब है उसकी पोजिशंस होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी एनर्जी होगी, टाइम होगी, ये काफ़ी सारा जो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन करने के मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स को हम पता कर सकते हैं। सो इट इज़ हार्ड फॉर मोस्ट पीपल टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिकॉज इन क्लासिकल फिजिक्स द वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद सर्टेनिटी एंड एक्यूरेसीज। ये आप लोग शायद फिजिक्स में कर चुके होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी और पोजिशन पता करनी है तो हम उसको आराम से कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अनसर्टेनिटी में ये इसका उल्टा होता है, हम नहीं कर सकते हैं। हाउएवर इन क्वांटम मैकेनिक्स द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अलाउ टू अस टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द मोमेंटम पोजिशंस। बिल्कुल क्लियर बात है, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें वेव एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कहीं भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है, वो पूरे स्पेस में फैलते आता है और उसके फैलने की वजह से हम लोकेशन पता नहीं कर सकते, एग्जैक्ट लोकेशन बिल्कुल पता नहीं कर सकते। नाउ टू कैलकुलेट द प्रिसाइजली इधर द मोमेंटम और पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, तो उसके लिए हम एक जो एक वर्ड आप देख रहे हैं वेव पैकेट कैन बी यूज, एक वेव पैकेट का इस्तेमाल करेंगे। सपोज हम किसी का मोमेंटम और पोजिशन पार्टिकल का पता करना है तो हम इस वेव पैकेट से पता कर सकते हैं। ये वेव पैकेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। वेव पैकेट का मतलब है कि इट इज़ ए एक्यूमुलेशन ऑफ वेव्स ऑफ वेयरिंग वेवलेंथ। तो ये क्या है हमारा कि बहुत सारे वेव्स हैं जिसका अलग अलग वेवलेंथ है, सभी वेवलेंथ को वेव्स को हम क्या करेंगे एक जगह इकट्ठा कर देंगे। जैसे कि ये हमारा एक वेव्स है, एक वेव्स हमारा ये वाला है, दूसरा वेव्स ये है, तीसरा वेव्स ये है। अब सभी को हम अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट वेव हुआ वो कुछ होगा, उस रिजल्टेंट वेव को हम कहेंगे एवरेज वेवलेंथ। क्योंकि वेवलेंथ तो कैन बी इजिली कम्बाइन, पार्टिकल को हम कम्बाइन नहीं कर सकते लेकिन वेवलेंथ को हम कम्बाइन कर सकते हैं क्योंकि ये वेव की प्रॉपर्टी है। तो कम्बाइन करने के बाद इट विल क्रिएट ए एवरेज वेवलेंथ थ्रू एन इंटरफेरेंस पैटर्न। सो दिस कम्बिनेशन कॉल्ड एज ए इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ दिस एवरेज वेवलेंथ एवरेज वेवलेंथ और वेव पैकेट मीन्स द विच इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द वेव्स हैविंग वन कॉमन वेवलेंथ। The more waves that are combined in the wave packet, the more precise the location of the position of the particles. तो अगर waves ज़्यादा वो combine है इस wave packet में, जितना combine form में रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, उससे क्या होगा कि हम उस wave packet को अगर हम किसी particle के location के लिए use करेंगे तो आराम से वो हम locate कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारा waves है, कोई ना कोई waves जाके उस particle के position को बता पाएगा। लेकिन problem क्या हो जाएगी, द मोर अनसर्टेन द मोमेंटम बिकम्स, तो और उसका जो हमारा मोमेंटम होगा वो ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। तो वेव्स को कम्बाइन करने से जो हमारा ये पार्टिकल के पोजिशन थे वो क्लियर हो गया, लेकिन हमारा मोमेंटम्स में वेरिएशन आ गया। वेरिएशन क्यों आ गया, क्योंकि सभी वेवलेंथ को हम मोर वेवलेंथ ऑफ द वेयरिंग मोमेंटम आर एडेड। तो सभी वेवलेंथ का हम जो मोमेंटम है उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने की वजह से उसके जो मोमेंटम है वो वेरिएशन आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एक जगह इकट्ठा कर दिया तो उसका मोमेंटम वेरी कर गया, तो अगर मोमेंटम वेरी कर गया तो ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है। कन्वर्सली इफ़ यू वांट टू मोर प्रेसाइज मोमेंटम, अगर हमको सिर्फ मोमेंटम करना हो, सिर्फ मोमेंटम पता करना हो, तो उसका उल्टा करेंगे कि हम वेव पैकेट के जो वेवलेंथ है उसको हम कम करना शुरू कर देंगे। अगर हम वेवलेंथ के पैकेट के जो वेव्स को हम कम ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि पोजीशंस जो हमारा वो बिल्कुल उस पार्टिकुलर जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो जाएगा। तो कोई ना कोई हमें एक चीज़ को निश्चित करना पड़ेगा, इसलिए देयरफॉर देयर इज नो वे टू फाइंड द बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साइमिलेंटली। तो ये जो एग्जांपल्स जो हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स डिस्कस किया था तो उससे हमारा ये पता चलता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम किसी पार्टिकल्स का हम बिल्कुल पता एक साथ पता नहीं कर सकते, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज़ को मिस्टर आइंस्टाइन ये भी नहीं मानने के लिए तैयार था कि उस पर डिस्कस करने लगा, उस पर डिबेट करने लगा कि नहीं ये जो अनसर्टेनिटी की जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, मैं इस पर एग्री नहीं हूँ।
उसने फाइनली एक एक्सपेरिमेंट भी किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है वो टोटली सर्टेन ही नहीं है, ये फेल हो, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है, सही नहीं है, इसको प्रूफ करके वो सर्टेनिटी पे विश्वास करता था, उसके जो प्रिंसिपल सर्टेनिटी थे, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आइंस्टीन को भी नहीं मानने पर मजबूर किया। लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट ने उसको फाइनली ये सोचने में मजबूर कर दिया, कंपेल कर दिया कि नहीं, ये जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। किस तरह सही है, हम ये एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। चलिए, एक्चुअली ही पास्ड ए स्ट्रीक ऑफ लाइट थ्रू ए स्लिट, एक स्लिट है जिसमें हम लाइट को पास करते हैं, तो लाइट पास करने से क्या होगा, उसके मोमेंटम में सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आएगी। हम पिछले जस्ट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो क्या होगा हमारा, क्यों होगा कि लाइट बिहेवियर इज लाइक ए पार्टिकल, एंड जैसे ही वो स्लिट से पास करेगा तो वो लाइट वेव बन जाएगा। ऐसे यहाँ जा रहा है तो उसके पार्टिकल जा रहा है, यहाँ पर हिट करेगा तो पार्टिकल है, लेकिन जैसे ही वो स्लिट क्रॉस करेगा वो फिर से वेव बन जाएगा। देयरफॉर द मोमेंटम इज अनोन, जैसे वेव बन गया उसका मोमेंटम हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें उसका इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल पता है। पार्टिकल यहाँ से आ रही है वो हमें पता है, वो चीज़ हमें इसके पोजिशन पता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये जो हमारा स्लिट है इसके साइज़ को हम छोटा करते चले जाएंगे, इससे क्या होगा कि हम पार्टिकल का जो पोजिशन है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी, वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो क्या होगा आपका, फाइनली व्हेन यू मेक दिस स्लिट स्मॉलर इन साइज द फाइनल पॉसिबल एरे ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइडर। तो ये जो हमारा जो डायरेक्शन पार्टिकल डायरेक्शंस है, इसको स्लिट इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स लाइट जा रहे हैं, जैसे हम इसको और थिन करेंगे तो एक ही लाइट बचेगा, एक लाइट मतलब वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ कम होने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो जो मोमेंटम है वो क्या होगा, वो पता ही नहीं चलेगा। पता चलने का मतलब है कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट्स, तो इसके जो लाइट्स जो हैं यहाँ पर वो एक पॉइंट पर प्रेसाइज ना होकर वो फैल जाएंगी। यानी कि अगर आप अधिक वेवलेंथ देते हैं तो हमें पोजिशन उसका क्या कर, उसके अंदर मोमेंटम थोड़ा सा कम होता है, अनसर्टेन होता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बहुत कम वेवलेंथ देते हैं तो उसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बहुत कम ही पता चलता है, क्योंकि उसको जो लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैल जाता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ से हमारा क्या होगा, मोमेंटम पता नहीं चलेगा, और कम लाइट से मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें उसका पोजिशन ही पता चलेगा। हमें हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो मोमेंटम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये चीज़ पता चलता है। इसके लिए हम आप इसके इससे जो लिंक एक वीडियो है उसको देख सकते हैं, तो उसको देखने से आपको ये प्रैक्टिकली बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नाउ सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है कि उसके नॉर्मली हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, हम देख चुके हैं लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई फोर पाई। ये दोनों एक कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, दो वेरिएबल हैं। इफ़ यू पुट द मास इन दिस सेट, सो डेल्टा एक्स डॉट इंटू डेल्टा वी प्रोडक्ट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू एच बाई एम इंटू फोर पाई। एंड देर आर सम अदर कॉन्जुगेट्स सिमिलर लाइक कॉन्जुगेट्स जो बिल्कुल दूसरे तरीके से है, उसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। जैसे कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स को अगर हम फोर्स और टाइम में कन्वर्ट कर दें मोमेंटम को, और डिस्टेंस ले तो फोर्स और डिस्टेंस हमारा एनर्जी हो जाएगा टाइम। तो एनर्जी टाइम भी हमारा क्या एक अनसर्टेनिटी है। तो अगर हम मतलब चेंज एनर्जी जो हमारा एनर्जी चेंज है टाइम, ये दोनों अपना दो दो वेरिएबल हैं, तो इसमें भी अनसर्टेनिटी होती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये सही भी है। एक तीसरा वेरिएबल हमारा है एंगुलर मोमेंटम, और ये आपका चेंज इन थीटा डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपका एच बाई फोर पाई से आता है। ये कई तरह के जो न्यूमेरिकल्स है जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ है। एनर्जी टाइम में किस तरह से ये हमारा अनसर्टेन बताता है, जैसे कि अब बोर्ड्स के हम एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि इवन जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट आफ्टर गेनिंग एनर्जी इट गोज टू द हायर स्टेट से वहाँ जाता है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा देर के रहता है। फॉर ए मोमेंट ऑफ टाइम इट इमीडिएटली कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। तो वहाँ पर हमारा एनर्जी हायर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो क्या होता है आपका कि कम समय में वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको वापस जाना पड़ता है। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि या फॉर स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उस टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप टाइम को कैलकुलेट करने के जाएंगे तो हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है, एप्लीकेबल है। तो एनर्जी और टाइम में भी आपका एक अनसर्टेनिटी का रिलेशनशिप है।
वन मोर थिंग, व्हाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी हम इस प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस को हम एक डायमीटर के फॉर्म में मानना पड़ेगा, दिस इज डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी दैट इज द रेंज ऑफ द न्यूक्लियस। सो डेल्टा एक्स के पोजिशन को यहाँ पर लिख दीजिए और ये इसके डायमीटर को लिख दीजिए। तो इफ़ यू कैलकुलेट एच बाई 4 पाई, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अगर पोजीशन को भी हम मल्टीप्लाई कर दें 10^-15 से, तो वील गेट दिस वेलोसिटी, मीन्स जो अनसर्टेन वेलोसिटी होगी वो 5.77 × 10^10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये जो वेलोसिटी है वो आप लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 300,000 km/s होती है, उसे कंपेयर में ये वेलोसिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, और एक न्यूक्लियस के अंदर में इतनी वेलोसिटी का कोई भी पार्टिकल्स होना संभव ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर का जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड से काफ़ी कम होता है, ये जस्ट प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देर वॉज वन मोर ब्रेक थ्रू इन द बोर कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो हेजनबर्ग ने बोर के जो एटॉमिक मॉडल था उसमें भी एक चेंज ले आया। क्या चेंज था हमारा, कि एज वी नो दैट बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, लेकिन दैट इज वेलोसिटी यू ऑफ बोर एज्यूम दैट वेलोसिटी यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, आर डिस्टेंस वेलोसिटी उसकी डेफिनेट है, बट हाउएवर इट इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग। हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों गलत है, वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू इमेजिन द इलेक्ट्रॉन्स एज मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस की जो ऑर्बिट उसको डिफाइन नहीं कर सकते ये चीज़ें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक वेव है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, पार्टिकल है तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वेव है तो हम डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल भी छोटा है, तो आप उसको इसके डेफिनेट पाथ कैसे बता सकते हैं, इसका पाथ तो है ही नहीं, इसका पाथ तो कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये जो हमारे न्यूक्लियस के कहीं भी हो सकता है, मतलब पाथ तो होगा लेकिन पाथ को हम एक स्फेरिकल का रूप देना पड़ेगा, उस पाथ को हमें एक स्फीयर मानना पड़ेगा, और उस स्फीयर के आसपास ही कहीं हमारा ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। तो हमें ये चीज़ एक टर्म लाने में कंपेयर कर दिया कि एक यूज़ करना पड़ा प्रोबेबिलिटी, द बेस्ट वे वी कैन थिंक दैट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन विद ए प्रोबेबल वेलोसिटी इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस एट ए गिवन टाइम। तो जो गिवन टाइम में हम जो इसकी जो प्रोबेबल वेलोसिटी है उसको हम एक स्पेस के फॉर्म में लोकेट करना पड़ेगा। स्पेस का मतलब जैसे कि सपोज हमारा ये न्यूक्लियस है तो इसको हम एक स्फीयर मानना पड़ेगा। स्फीयर का मतलब सपोज एक छोटा सा न्यूक्लियस के सेंटर में, तो उसके चारों तरफ मतलब इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, तो वो एक स्पेस को इमेजिनरी फॉर्म में मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन उस स्पेस के चारों तरफ में कहीं भी हो सकता है एज पर द हेजनबर्ग प्रिंसिपल, और ऐसा हमको मानना है। दैट स्पेस और 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्पेसिफिक इनर्जी कॉल्ड एज एटोमिक ऑर्बिटल, और उस स्पेस को का नाम दिया गया एटोमिक ऑर्बिटल। तो तब से एक नया कंसेप्ट आ गया ऑर्बिटल। सो दिस ऑर्बिटल हैं जो कि हम इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, और जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमारा एक वेव मैकेनिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो हमारा एटोमिक मॉडल है वो वेव मैकेनिक्स मैकेनिकल मॉडल के कहलाएगा, जिसको हम आप इसके लेक्चर के बाद समझेंगे कि ये वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है। चलिए पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्बिट क्या हो गया, हमारा एक डिफाइंड इलेक्ट्रिकल सर्कुलर या इलेप्टिकल पाथ है। ये क्या है कि स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, इलेप्टिकल होते हैं, इलेप्टिकल सॉमरफील्ड के जो है थ्योरम था उसमें हमने समझाया था। ऑर्बिटल्स यहाँ पर दे हैव डिफरेंट शेप्स, शेप्स के अलग अलग होते हैं, सर्कुलर डम्बल शेप्स में जैसे एस होता है, पी होता है, डी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एस आर प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल जनरल इसके अलग अलग नाम से हैं। ऑर्बिटल्स में कोई भी ऑर्बिट का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, इसे नॉन डायरेक्शनल, जबकि इसमें एस को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सभी में डायरेक्शंस होते हैं। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में थर्ड डिफरेंट पॉइंट है। ऑर्बिट्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2n² ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का जो जो नंबर्स होंगे वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी उतने ही होंगे, लेकिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, ये पॉइंट है।
ऑर्बिट गिव्स ए डेफिनेट पाथ टू एन इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो ये एक डेफिनेट पाथ की बात करता है जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, जबकि जो ऑर्बिटल्स हैं ये इट रिप्रेजेंट रीजन्स और स्पेस वे इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट एनी वेयर विच इज सपोर्टिंग दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। सो ऑर्बिटल का कंसेप्ट बिल्कुल ट्रू है। ऑर्बिट इज प्लेनर, इट कंसिडर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए प्लेन। तो ये प्लेन इलेक्ट्रॉन के मोशन को प्लेन ही बताता है, जबकि ये प्लेन ना बता के ये थ्री डायमेंशनल मोशन की बताता है। और ये भी सही है, तो ऑर्बिट का नाम ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा जो वेव मैकेनिकल मॉडल का जो एटम का जो मोड कंसेप्ट है उसमें हम ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऑर्बिट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो कहलाएगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।